नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुगन शर्मा। इंडियन मनी के फ्रीडम ऐप के सभी एम्प्लॉइज का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो ऑफिस एटिकेट्स फॉलो करते हैं और जिनका उदाहरण हम दूसरे लोगों को देते हैं, और दूसरे वो जो ऑफिस एटिकेट्स बिल्कुल फॉलो नहीं करते और जिनके जैसा आपको कभी नहीं बनना है। इस वीडियो में मैं आपको दो लोगों से मिलवाने वाली हूं। ये देखिए, ये है प्रिया। प्रिया हर चीज सलीके से करती है और सारे ऑफिस एटिकेट्स फॉलो करती है। और अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जिया से। जिया जो है वो कोई भी चीज जो है सही से ऑफिस में नहीं करती है और इन्हीं की वजह से हमारा ऑफिस जो है वो बहुत बुरा दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। प्रिया जो है वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करती हैं। अब टाइम को अच्छे से मैनेज कैसे किया जाता है? सबसे डिफिकल्ट टास्क जो है आपके दिन का, वो आपको सबसे पहले पूरा कर लेना है। आपको अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना है, यानी कि कौन सा काम सबसे जरूरी है उसे आपको सबसे पहले खत्म करना है। आप अपने डेस्क पे या अपने डेस्कटॉप पे स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करके एक लिस्ट बना सकते हैं, टू डू लिस्ट। और याद रखें, टाइम मैनेजमेंट तभी अच्छी होगी जब आप थिंग्स टू डू की जो लिस्ट है वो शाम में बनाएं। जी हाँ, अगले दिन आपको क्या क्या करना है वो आप पिछली शाम को ही लिस्ट बनाकर रख लें। अब प्रिया तो इन सारी चीजों को करती हैं, लेकिन अब मिलिए जिया से, जो किसी भी काम को टाइम पे करती ही नहीं है। जिया के लिए डेडलाइन का मतलब सिर्फ एक शब्द है, डेडलाइन नहीं। इसीलिए अक्सर जिया जो है वो अपने मैनेजर से कुछ ना कुछ सुनती ही हैं। तो अब आप खुद सोचिए, आपको प्रिया जैसा बनना है या फिर जिया जैसा। चलिए अब बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में। अक्सर हमने यही देखा है कि ऑफिसेज में आपको या तो फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं या फिर आपको सेमी फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, और वीकेंड्स यानी कि फ्राइडे या सैटरडेज को आप कैजुअल्स भी पहन सकते हैं। प्रिया तो इस पूरे ड्रेस कोड को फॉलो करती हैं, लेकिन जिया जो है वो इस तरह के कपड़े पहनती हैं कि समझ ही नहीं आता कि वो ऑफिस जा रही हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पे जा रही हैं। अब आप खुद डिसीजन लीजिए, आप इस तरह के कपड़े पहनकर वेल ग्रूम्ड और वेल ड्रेस्ड होकर ऑफिस आना चाहते हैं, या फिर आप जिया की तरह ऐसे उठकर ऑफिस आना चाहते हैं जैसे कि अभी अभी गोवा से सीधा ऑफिस आ गए हैं। चलिए अब बात करते हैं हाइजीन यानी कि सफाई के बारे में। वाह 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 भाई, जब आपके अपने घर की बात आती है तो आप अपना घर कितना साफ रखते हैं, अपने बेडरूम को कितना साफ रखते हैं, लेकिन जब बात ऑफिस की आती है तो हमारी प्रिया जो है वो दिन में दो दो बार अपने वर्क स्टेशन को टिश्यू से वाइप करती हैं, हमेशा जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करती हैं, अपने डेस्क को बिल्कुल व्यवस्थित यानी कि ऑर्डर में रखती हैं। लेकिन जब बात आती है जिया की, तो वो इतनी गंदगी मचाती हैं कि उनके डेस्क पे तो जाने का भी दिल नहीं करता। ना वो अपना वर्क स्टेशन साफ करती हैं, ना वो अपने वर्क स्टेशन को व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड रखती हैं, और ना ही वो ऑफिस से जाते वक्त अपनी चेयर को ठीक से रखकर जाती हैं। और इतना ही नहीं, हमारी प्रिया जो है वो ऑफिस के द्वारा दी गई चीजों को बड़े प्यार से इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि जो हेडसेट उन्हें मिले हैं, जो लैपटॉप या वर्क स्टेशन उन्हें मिला है, जो कनेक्टर उन्हें मिला है। लेकिन जिया वो तो इस तरह से ऑफिस की दी हुई चीजों का इस्तेमाल करती हैं जैसे कि उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अरे, फ्री की चीज मिली है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। तो अब आप खुद ही सोचिए, आपको प्रिया की तरह होना चाहिए या जिया की तरह। चलिए अब बढ़ते हैं टॉयलेट्स की तरफ। भाई, टॉयलेट्स वो जगह होती हैं जिसका इस्तेमाल एम्प्लॉय कम से कम दिन में 2 से 3 बार तो करते ही हैं। प्रिया जब भी अपने ऑफिस का टॉयलेट इस्तेमाल करती हैं तो वो मेक श्योर करती हैं कि वो फ्लश जरूर करें, और वो ध्यान रखती हैं कि वो अपने टॉयलेट सीट को पूरा क्लीन कर सुखाने के बाद ही टॉयलेट से बाहर निकलें। जिन टिश्यूज का वो इस्तेमाल करें उन्हें वो डस्टबिन में ही फेंकें, और अगर हाथ धोते वक्त भी उनसे पानी स्पिल हो गया है तो उसे भी टिश्यू से क्लीन करके एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह टॉयलेट को साफ सुथरा रख कर यूज करें। लेकिन वहीं पर जिया,
मुझे तो ये भी नहीं पता ये जिया आई कहाँ से है भाई, इतने गंदे तरीके से ये टॉयलेट को इस्तेमाल करती हैं, ना ये फ्लश करती हैं। भाई इनके टॉयलेट को इस्तेमाल करने के बाद मैं तो कभी टॉयलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकती। टिश्यूज भी अगर यूज करें तो ऐसे ही फेंक देती हैं। और बस क्या कहूँ, क्या आप जिया जैसे बनना चाहते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं बनना चाहती। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं कैफेटेरिया की तरफ। कैफेटेरिया वो जगह है जहां पर हम खाना खाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करते हैं। लेकिन हमारी प्रिया जो है वो कैफेटेरिया को भी बिल्कुल इस तरह से इस्तेमाल करती हैं जैसे अपने घर के खुद के डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रही हूँ। अगर प्रिया से थोड़ा सा भी खाना कैफेटेरिया की टेबल पे गिर जाए तो वो खाना खाने के बाद टिश्यू से उस टेबल को साफ कर देती है। वहीं जिया इस तरह से खाना गिरा गिरा कर खाती हैं और बाद में सफाई भी नहीं करती कि बिल्कुल टॉयलेट की ही तरह इनके बैठे हुए टेबल पे भी दोबारा कोई बैठना नहीं चाहता। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे फ्रीडम ऐप में मील्स मिलते हैं हर एम्प्लॉई को, तो प्रिया ब्रेकफास्ट और लंच के बाद प्लेट्स जो हैं वो वॉशिंग एरिया में रख देती हैं। और हाँ, प्लेट्स वॉशिंग एरिया में रखने से पहले प्रिया बचा हुआ खाना प्लेट से डस्टबिन में भी फेंकती हैं। जिया वही बचा हुआ खाना उसी प्लेट में प्लेट को इस तरह से रखकर आती हैं कि जैसे मान लो कि भाई उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है कि मुझे अपनी प्लेट थोड़ी साफ करके देनी चाहिए। जिया जो है वो हमेशा कैफेटेरिया में अपने टी और कॉफी मग्स को अच्छे से क्लीन करके सुखा कर रखती हैं इस्तेमाल के बाद। जिया ओह माय गॉड, कॉफी और टी पीने के बाद मग्स को टेबल पर ही छोड़ देती हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर किसी दिन आपके मैनेजर या फिर आपके किसी सीनियर ने आपको ये करते हुए देख लिया तो आपकी क्या छवि बनेगी उनकी नजरों में, कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल और केयरलेस हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि किस तरह से आपको कैफेटेरिया का इस्तेमाल करना है, प्रिया की तरह या जिया की तरह। और एक बात, प्रिया हमेशा ध्यान रखती हैं कि वो एक प्रोफेशनल हैं और वो अपने ऑफिस जा रही हैं। सुबह आते ही चाहे उन्हें पहले सिक्योरिटी गार्ड दिखे या फिर हाउसकीपिंग स्टाफ, वो स्माइल करके उन्हें गुड मॉर्निंग जरूर कहती हैं। वहीं जिया जो है वो तो इस एटीट्यूड में चल के आती हैं कि ऐसे लगता है कि गार्डन में घूम रही हैं और बिल्कुल ही किसी से ना गुड मॉर्निंग कहती हैं ना स्माइल करती हैं। और मुझे तो जिया को देख के लगता है कि उसमें बड़ा एटीट्यूड है। प्रिया की अगर मैं बात करूं तो जब भी मैंने प्रिया को देखा है वो अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखती हैं, यानी साफ सुथरा डेस्क, साफ सुथरे कपड़े पहन के आती हैं और इसीलिए उनके विचार भी साफ सुथरे हैं और उनके काम को भी सब अप्रिशिएट करते हैं। वहीं जिया जो है वो बिल्कुल भी वेल ड्रेस्ड होके ऑफिस नहीं आती, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन नहीं रखती, लोगों को उनके विचार सुनने ही नहीं है और उनके मैनेजर तो ये समझते हैं कि भाई ये लाइफ में कुछ नहीं करेंगी। तो दोस्तों अब ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको अपने ऑफिस को ऑफिस की तरह ट्रीट करना है या अपने घर की तरह। जिस तरह हम अपने घर को कभी गंदा नहीं करते, हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हमेशा प्यार से बात करते हैं, उसी तरह आपको ऑफिस वालों के साथ भी प्यार से बात करनी चाहिए और ऑफिस एटिकेट्स मेंटेन करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने बाकी कॉलीग्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और एक बात याद रखें, लक्ष्मी का वास वही होता है जहाँ सफाई होती है। क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस।